लेंगे, उसमें हम अपनी चने की दाल को डालेंगे और चने की दाल को अच्छे से वॉश करने के बाद हम 10 से 15 मिनट इसको पानी में भिगो देंगे। हम अपनी दाल को सोक करेंगे 10 से 15 मिनट। यहाँ हमने एक पैन लिया है, एक पतीली ली है, इसमें हम ऐड करेंगे गोश्त को। गोश्त के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे दाल को। अभी फिलहाल इसमें हम डालेंगे आधा लीटर पानी। साथ ही इसके डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। हमारे सारे स्पाइसेस, नमक, आलू करेंगे हम अच्छे से मिक्स। आप इतना पानी डालिएगा कि आपकी जो दाल है वो और गोश्त अच्छे से जो है वो गल जाएं। इसमें मैं 2 कप पानी और ऐड करूंगी और अपनी फ्लेम को करूंगी मैं मीडियम पर, हाई मीडियम पर मैं अपनी फ्लेम को रखकर इसको करेंगे हम कुक। इसको कर देंगे हम कवर और थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहेंगे, अगर हमारा पानी खुशक हो जाएगा और चमचा चलाते रहेंगे कि हमारा जो मसाला है वो लगे ना। एवरीवन, यहाँ देखिए आप, इसमें हो गया है पानी ड्राई और हमारी गोश्त और दाल भी अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए आराम से गोश्त और दाल टूट रही है, गोश्त भी टूट रहा है और दाल भी आराम से टूट रही है। दैट्स मीन सो अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, 5-10 मिनट हल्का सा स्टीम देंगे। स्टीम देने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा हमारा मिक्सचर, तो फिर इसको हम अच्छे से पीसेंगे। आप चाहें तो सिल पर भी पीस सकते हैं, वरना आप चाहें तो ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी चॉपिंग मशीन, उसमें आराम से इसको पीस लीजिए। सो इसको करेंगे ठंडा और फिर इसमें इसको हम पीसेंगे। हम हमने कबाब के मसाले को अच्छे से पीस लिया है। सो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अंडे। जब मैंने पीसा था तो उसी वक़्त मैंने इसमें प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें भी साथ में पीस ली थी। सो अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया, पुदीना और अदरक। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से करेंगे हम मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इनके बनाएंगे पैटीज। पैटी बनाएंगे अपने कबाब को शेप देंगे। अपने हाथ पे लगाएंगे थोड़ा सा पानी, आप साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं ज़रा मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। सो देखिए इस तरीके से आप पैटी बना लीजिए। सारे कबाब इस तरीके से ही बनेंगे और इसको प्लेट में साथ साथ रखते जाइए।
तो नाउ एवरीवन, यहाँ हमारे शामी कबाब रेडी हो गए हैं। मैं अब आपको बताऊंगी कि हम फ्रीज़र में इसको स्टोक कैसे कर सकते हैं। फ्रीज़र में हम इसको आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। सो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ हम लेंगे एयर टाइट बाउल। एक बाउल लेना है हमें एयर टाइट। इस पर नीचे हम रखेंगे एक प्लास्टिक शीट और फिर इसके ऊपर रखेंगे हम अपने कबाब। जितनी स्पेस हो उतने रखिएगा। फिर इसको टर्न कर लेंगे हम अपनी शीट को। प्लास्टिक शीट को टर्न करने के बाद लेयर्स लगाते जाइएगा और प्लास्टिक शीट रखते जाइएगा। इससे आपके कबाब जो हैं वो एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं, आराम से जो है जब आपको यूज़ करना होगा तो आराम से ये सेपरेटली निकल जाएंगे, जुड़ेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं। अब मैं इस प्लास्टिक शीट को टर्न कर दूँगी, मेरे पास ज़रा लंबी सी है सो इसी को ही मैं कवर करूँगी। जितनी स्पेस हो आपके पास आप उतनी रख सकते हैं। आई थिंक बस इनफ, मेरी स्पेस हो गई है ख़त्म। अब मैं इसको कर दूँगी कवर। मेरे पास यहाँ पर आइसक्रीम का एयर टाइट बॉक्स था, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो कर सकते हैं। आराम से आइसक्रीम के बॉक्स को रीयूज़ ईज़िली हो सकते हैं ये एयर टाइट बॉक्स से। सो नाउ आप देख सकते हैं हमारे एयर टाइट बॉक्स में ईज़िली हमारे कबाब आ गए हैं। अब ये ईज़िली हम फ्रीज़ कर सकते हैं। एवरीवन, हम लेंगे एक फ्राइंग पैन। इसमें डालेंगे हम 3 टेबल स्पून ऑयल। डालने के बाद इसको हल्का सा करेंगे। हमारा ऑयल हल्का सा प्रीहीट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शामी कबाब अपने और इनको करेंगे फ्राई। आप देख सकते हैं हमारे शामी कबाब फ्राई हो चुके हैं, दोनों साइड से अच्छा सा इनका कलर आ गया है। सो अब हम इनको करेंगे डिश आउट। हमारे मज़ेदार शामी कबाब रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है और कितने अच्छे ये फ्राई हुए हैं। ये टेस्ट में भी बहुत यमी और मज़े के हैं। इनको आप चिली गार्लिक सॉस या कैचअप के साथ डेकोरेट करें। नाउ एवरीवन, हमने इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस लगाया है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप इसको डेकोरेट करें या ना करें। मैं आपको इसको दिखाती हूँ तोड़ के। ये देखें कितना अच्छा इसमें जो है ना वो रेशा आ रहा है गोश्त का। इसका टेस्ट बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस और बहुत मज़े का इसका टेस्ट है। सो Now everyone, if you like this recipe, so please subscribe my channel and press the bell icon. So milte hain ek aur new recipe ke saath. Thank you for watching everyone. Allah Hafiz everyone.